अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए, मैंने 1.5 किलो मूली ली है, इसे कद्दूकश कर लिया और इसमें 1 पाव हरी प्याज हमने बारीक चॉप करके वो ऐड कर दी। 1 धनिया की गड्डी, इसे भी बारीक चॉप कर लिया हमने, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। मूली जो है मैंने कद्दूकश करने के बाद इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ लिया था, इसे बिल्कुल ड्राई कर लिया और इसके पानी से ही मैंने आटा गूंदा है। उसे हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं उसके अंदर। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के चाट मसाला और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चुटकी अजवाइन आप ले लें, वो इसमें ऐड कर दिया। ये देखें, कुटा हुआ अदरक है 1 चम्मच भर के, वो हमने इसमें ऐड किया और 7-8 हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, वो हमने इसमें ऐड कर दी। अब आप इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह। हरी प्याज का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। ये देखें, अब इसमें 1 चम्मच भर के मैंने नमक ऐड किया। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसका कलर इतना अच्छा नहीं लगता मूली के अंदर, बिल्कुल येलो कलर आता है। आप चाहें तो ऐड कर दें। ये आटा हमने 1 घंटा पहले गूंद लिया था। अब हम इसका पराठा बनाएंगे। आम नॉर्मल आटा है ये, वाइट आटा नहीं है। ये देखिए, एक पेड़ा बना के आप इसको बिल्कुल इक्वल डिवाइड कर लें 2 पीसेस में और फिर आप इसका पराठा बनाएं। इस तरह से क्या होता है कि इसकी फिलिंग इसके अंदर ही रहती है ना, बाहर नहीं निकलती। बहुत मज़े के पराठे बनते हैं ये और इस तरह कच्ची मूली के साथ ही बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप इसको ड्राई कर लेंगे, फ्राई पैन में डाल के भून लेंगे इसे, तो इसका पानी ड्राई करने के लिए, तो इससे क्या होता है कि इसका फ्लेवर थोड़ा सा ना कड़वाहट सी आ जाती है उसके अंदर। इस मेथड से आप बनाएं तो बहुत मज़े के बनते हैं और ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाते। उससे क्या होता है कि मूली का फ्लेवर कम हो जाता है, स्पाइसेस का फ्लेवर ज़्यादा आता है। ये देखिए, आप इसको फिलिंग डाल के इसमें और फिर आप इसको बहुत स्लो हाथ से इसको आप बेलें। तवा हमारा गरम है। अभी देखें, पराठा हमारा जब हल्का सा सिक जाएगा दोनों साइड से, फिर हम इसमें घी ऐड करेंगे। इससे हमारा पराठा बहुत क्रंची बनता है। अगर आप जो है कच्ची रोटी पर घी ऐड कर देते हैं तो इससे रोटी या पराठा बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ये देखें, सिक गया पराठा। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। मीडियम आंच पर आप इसे सेकें, देखेंगे इतना अच्छा कलर आया पराठे का। इसके साथ मैंने गार्लिक की चटनी सर्व की थी, उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देखना चाहें तो। बहुत मज़े के पराठे बने थे, आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे लगे। इसी मेथड से आप सारे पराठे बना लें। देखें कितना अच्छा कलर आया पराठे को, देखें फिलिंग कितनी अच्छी उसमें है, बाहर नहीं निकली इससे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।